हेलो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको फिर से एक और नए डिजाइन का डोरमेट बताने वाली हूँ, जिसके लिए यहाँ पे हमने तीन कलर लिए हुए हैं और मैंने ये 9 नंबर सिलाई ली हुई है। आप अपनी पसंद का इसमें कोई भी कलर ले सकते हैं और इसे पुरानी चुन्नी और साड़ी से भी बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको वूल में बता रही हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये हमारा डोरमेट आपको कैसा लगा। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए यहाँ पे मैं 22 फंदे डालूँगी, ये देखिए इस कलर से। बिल्कुल ही इजी तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊँगी, जिनको नहीं आता है वो भी आराम से इसे बना सकते हैं और किसी भी तरह से इसको यूज कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे हम 22 फंदे डाल लेते हैं। इसके बाद मैं आपको ये देखिए फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 22 फंदे डाल लिए हैं। इसके बाद हम सबसे पहले दो सिलाइयाँ इसी तरह से बना के कंप्लीट करेंगे। दो सिलाइयां मैं बना लेती हूँ इसी तरह से। इसके बाद मैं आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखिए दो सिलाइयां हमने इसी तरह से बनाते हुए जाना है। ये देखिए, तो देखिए मैंने यहाँ पे दो सिलाइयां बना ली हैं ये। इसके बाद हम यहाँ पे ये देखिए उल्टी सिलाई पे हैं, यानी कि हमने ये तीन सिलाइयाँ बना के कंप्लीट कर ली हैं। चौथी सिलाई पे हम उल्टी सिलाई पे ये यहाँ पे रेड कलर लगा रहे हैं। ये देखिए इस तरह से, इसे आप पुरानी चुन्नी और साड़ी से भी बना सकते हैं। ये देखिए मैंने उल्टी तरफ से रेड कलर को बना के लगा के कंप्लीट कर ली है उल्टी सिलाई। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे हम पूरी सिलाई को उल्टा बनाएंगे और लास्ट के हम दो फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे। लास्ट के मैंने दो फंदे ये देखिए बगैर बुने छोड़ दिए हैं, ये देखिए, और यहीं से हम टर्न कर लेंगे। उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा बना के कंप्लीट करते हैं। सीधी सिलाई पे आपको फिर दिखाते हैं, दो फंदे मैंने छोड़ दिए हैं। मैं फिर से सीधी सिलाई पे हूँ, लास्ट के मैंने दो फंदे छोड़ दिए हैं। इसी तरह से हम यहाँ पर 14 फंदे छोड़ देंगे लास्ट के और 8 फंदे हम आगे की तरफ रखेंगे। ये देखिए हर बार हमने दो दो फंदे छोड़ने हैं, यानी कि 14 फंदे मुझे छोड़ देने हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे हम ये 4 फंदे छोड़ चुके हैं। ये देखिए इस तरह से, इसी तरह से मैं हर बार हर सिलाई पे दो दो फंदे छोड़ूंगी। 14 फंदे मुझे छोड़ देने हैं इसी तरह से। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे, जब हमारे यहाँ पे 8 फंदे रह जाएंगे तो मैं इसके बाद आपको फिर दिखाती हूँ। 14 फंदे छोड़ लेती हूँ दो दो करके। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 14 फंदे छोड़ दिए हैं। और ये देखिए 2, 4, 6, 8
आठ फंदे हमारे पास हैं अभी, ये देखिए। और यहीं से हम अब वापस हो जाते हैं, ये देखिए। अब इन आठ फंदों पे यहाँ पे मैं वाइट कलर लगाऊंगी, ये देखिए इस तरह से। आठ फंदों में हम यहाँ पे हमने वाइट कलर लगा दिया है, ये देखिए इस तरह से। तो आठ फंदों में वाइट कलर उल्टी तरफ से लगा दिया है। इसके बाद हम ये आठ फंदे, पहला फंदा उतारा और धागा अपनी तरफ करके, ये आठ फंदों की हम एक सिलाई इसी तरह से बना लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और यहीं से हम टर्न कर लेंगे। अब ये देखिए, ये आठ फंदे हमने एक एक करके छोड़ने हैं। यहाँ पे हम दो दो फंदे छोड़े हैं। अब ये आठ फंदे जो हमने वाइट कलर के बनाए हैं, ये हमने एक एक फंदा छोड़ना है, यानी कि हमने यहाँ पे छह फंदे छोड़ लेने हैं इस तरह से। देखिए दूसरी सिलाई हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम लास्ट का एक फंदा छोड़ देते हैं, ये देखिए इस तरह से एक फंदा मैंने छोड़ दिया है। और यहीं से टर्न कर लेंगे। इसी तरह से मैं यहाँ पे एक एक करके छह फंदे छोड़ लेती हूँ वाइट कलर के। इसके बाद मैं आपको फिर दिखाती हूँ, ये देखिए एक फंदा हमने छोड़ दिया है। अब हम दूसरा फंदा छोड़ेंगे, ये देखिए इस तरह से। तो चलिए मैं यहाँ पे छह फंदे छोड़ लेती हूँ इसी तरह से, इसके बाद मैं आपको फिर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप हमने छह फंदे छोड़ दिए हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं। इसके बाद हम यहीं से टर्न करेंगे, ये देखिए। तो छह फंदे छोड़ने के बाद, ये दो फंदे हमारे पास हैं, छह फंदे छोड़ने के बाद अब जिस तरह से हमने छोड़े हैं उसी तरह से हम बनाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए दो फंदे हमने बना लिए, तीसरा फंदा हम ले लेते हैं और यहीं से टर्न कर लेंगे। हर बार जिस तरह से छोड़े उसी तरह से एक एक फंदा बनाएंगे यहाँ पे। और लास्ट के हमने दो दो फंदे छोड़े हैं, वो हम दो दो फंदे बनाएंगे। यहाँ पे हमने एक फंदा छोड़ा है, तो ये देखिए, और यहीं से टर्न कर लेते हैं। तो इसको मैं छह फंदों को बना लेती हूँ, इसके बाद मैं आपको फिर से दिखाती हूँ, ये देखिए। यहाँ पे हमने ये छह फंदे बना लिए हैं जिस तरह से छोड़े थे उसी तरह से। अब जिस तरह से हमने यहाँ पे वाइट कलर लगा के एक सिलाई बनाई थी, उसी तरह से हम यहाँ पे अब एक सिलाई बना लेते हैं। सभी फंदे हमने ले लिए हैं, यानी कि छह सिलाइयाँ हमने बना ली हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से ये हमारा डिजाइन बन चुका है। इसके बाद हम यहीं से वापस हो जाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पे गैप दिख रहा है, तो यहाँ पे हम देखिए फंदा उठा लेते हैं इस तरह से, ये देखिए। अब हमने दूसरे फंदे के साथ इस फंदे को हम बना रहे हैं, जो फंदा हमने उठाया है, और यहाँ पे हम रेड कलर लगा देते हैं इसी तरह से, ये देखिए। अब यहाँ पे हमने दो दो फंदे छोड़े हैं, तो हम दो दो फंदे बनाएंगे इसी तरह से, ये देखिए। यहाँ पे मैंने दो दो फंदे छोड़े, तो अब के मैं दो फंदे बनाऊंगी, फिर यहीं से टर्न कर लूँगी, फिर उसके बाद दूसरी सिलाई पे फिर दो फंदे बनाऊंगी, यहीं से टर्न कर लूँगी। जिस तरह से नीचे बनाया हुआ है इसी तरह से हम बनाएंगे, ये देखिए। प्लीज़ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये देखिए यहाँ पे गैप दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं फंदा उठा लेती हूँ और ये दूसरे फंदे के साथ हम इसको बना देते हैं। तो यहाँ पे हमने दो फंदे बना लिए हैं और यहीं से टर्न कर लेंगे। इसी तरह से हम इसको बना के कंप्लीट करते हैं, इसके बाद मैं आपको फिर दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ये 14 फंदे भी जिस तरह से छोड़े थे उसी तरह से हमने दो दो फंदे ले कर बना लिए हैं, और जिस तरह से ये नीचे आया हुआ है उसी तरह से ऊपर आ गया है। और दो सिलाइयाँ हमने फिर से बना ली हैं,
इसी तरह से हमने ये पूरा डोरमेट कंप्लीट करना है। और इसमें मैं ये 6 पत्तियां बना के कंप्लीट करूँगी। ये देखिए, ये बहुत आसान है। तो चलिए मैं इसको बनाती हूँ इसी तरह से, और इसके बाद आपको फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डोरमेट पूरा बन के कम्प्लीट है, ये देखिए। और ये हमने 6 पत्तियों वाला डोरमेट बनाया है। आप इसे किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने ये शुरुआत हमने ब्लैक कलर से की थी। अब हमने यहाँ पे ये देखिए रेड से ही सारे फंदे घटा दिए हैं, ये देखिए इस तरह से। तो देखिए हम यहाँ पे उल्टी तरफ से इसकी सिलाई कर देंगे। कोई भी धागा लेके हम यहाँ पे सिलाई कर देंगे, ये देखिए इस तरह से। तो चलिए मैं यहाँ तक सिल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डोरमेट सिल के कंप्लीट है, ये देखिए। और ये काफ़ी सुंदर लग रहा है और बनाने में बिल्कुल आसान है। इसे आप पुरानी चुन्नी और साड़ी से भी बना सकते हैं, और बीच में आप कोई भी कलर का, ये देखिए इस तरह से ये पॉम पॉम्स आप लगा सकते हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे ये डोरमेट हमारा बन के कम्प्लीट है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये हमारा डोरमेट आपको कैसा लगा। तो चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।